सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं अभी आया हूँ अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए। और भैया कर रहे सर्विस, मतलब बहुत टाइम से खड़ी थी, तो सर्विसिंग भी करानी चाहिए। तो मैंने यहाँ कराता हूँ सर्विसिंग। तो भैया की शॉप में आया था, तो चलो रुकते हैं थोड़ा। अभी क्या करें, एक दो घंटा बैठना ही पड़ेगा। चलो फिर बैठते हैं। तो अभी मैं आया था दोबारा घर, क्योंकि बैटरी लेनी थी। वो बोल लेके जो बैटरी उस बाइक में लगी है वो तो हो चुकी ख़राब। चलो चलते हैं वापस। फ़िलहाल तो पेट्रोल ले जाते पहले बाइक के लिए, फिर चलते हैं। चलो वैसे तो मैंने बैटरी दे दी है भैया को, अब वो लगा लेंगे चार्ज इसको। चलो मैं पेट्रोल लेके आता हूँ तक। तो गाइस, तो मैं भैया की शॉप पे पहुंच चुका हूँ पेट्रोल लेके। चलो डालते हैं पेट्रोल इसमें अब। लो भैया, चलो भैया देखो आप बनती है कि नहीं बाइक। सो गाइस, तो मैं आ चुका हूँ वापस घर। डालो, कहाँ गया, कहाँ गए? अरे ये लोग बैठे इस वाले रूम पे। मत दिखा यार, क्यों यार, ये कमरा आज ही दिख रहा है व्लॉग में। चलो रेस्ट करना, थोड़ा बहुत थक गया मैं बैठे बैठे वहाँ पे। तेरे कपड़े इसके हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक इन द सेम वीडियो। और अभी हम सब लोग जा रहे हैं मार्केट। भाई ने लेना है हेलमेट, तो इस वजह से जा रहे हैं। चलो चलते हैं हेलमेट की शॉप पे, फिर वहीं पे होगी मुलाकात आपसे। व्यू तो कहीं तगड़ा आ रहा है। गाइस, मैंने विजुअल का चैनल टेक ओवर कर दिया। चलो टेक ओवर बोल दिया था ना कल, उसमें मुझे पता नहीं था, इन लोगों ने बता दिया मुझे कि मुझे टेक ओवर बोलना है। तो अब मैं टेक ओवर कर रहा हूँ, तो अब मैं बैठा हूँ विजुअल भाई के साथ। दोस्तों गाइस प्लीज़ बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। हमारा भाई ले रहा है हेलमेट, और आप भी देखते रहना, आप भी सजेस्ट करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हेलमेट कौन सा अच्छा था। ओके, यह है दोनों एरिया गाइस। तो गाइस विजुअल बोल रहे हैं कि तुम्हें सिखाता हूँ, बस मुझे तो आता है पहले से, क्योंकि मैं पुराना ब्लॉगर रह चुका हूँ। तुम मेरे बराबर अच्छा नहीं बना पाता है। मैं इसके बराबर बोल तो पाता नहीं हूँ, बट फिर भी कोशिश पूरा ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों में ट्राई कर रहा हूँ। गाइस आप कमेंट करना कि ये अच्छा बनाते कि मैं अच्छा बनाता हूँ। ओके, जरूर जरूर बोलना, ठीक है। गाइस ये है कॉलेज का बैक साइड, MBBG कॉलेज हल्द्वानी का। और हम जा रहे हैं अभी मार्केट की ओर। यहाँ से मेन रोड मिलेगा आपको नैनीताल रोड। तो ये ज़्यादा पुरानी गेट हमारा है, हमारा पहले का कॉलेज, क्योंकि मैंने पास आउट हो चुका हूँ यहाँ से। मैंने नहीं, क्योंकि मैं पास आउट। अरसू भाई तो देखो गोली बना रहे मेन रोड में भी। देखो 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 जरा, ये तन्नु को देखो टी शर्ट सही करने में लगी है। हाँ ये देखो, ये गौर से देख नहीं सकते। आज अरसू का मूड पता नहीं खराब क्यों है। ओए आराम से, आगे आगे से दिखाएंगे। मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोर। तू मत बोल यार, तुझे स्नातकोर बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? तो गाइस मेरे को देखिएगा मैं कैसा लग रहा हूँ, बेकार लग रहा हूँ, हेलमेट भी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा हूँ। आज छोटी सी शक्ल आ रही, क्योंकि चर्बी ज़्यादा हो गई ना, क्या करें। तो गाइस हम टिकोनिया चौराहे पहुँच गए। कहाँ जा रहे हैं भाई? वहाँ से जाना सीधे सीधे लेफ्ट साइड में जाना, अंदर रोडवेज। रोडवेज बरसात ही यार। मुझे बहुत परेशान कर रहा है कि बोल रहे हैं बार बार तुझे अच्छे से बनाना नहीं आ रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे अच्छे से बनाना तो आता ही है ना, आप लोग जानते होंगे मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा आपने। मैं लिंक आपको दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जरूर दिखाऊंगा अपना पुराने ब्लॉग का, जरूर आप देखिएगा। मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं भी स्टार्ट करने वाला हूं ब्लॉग। ओके ब्रो, ये कुछ भी बोल लेगा। तो गाइस ये हेलमेट फेज बोलना थोड़ा। तो गाइस तो अभी दिख रहे हैं हम हेलमेट, पसंद तो ये वाला आ रहा, बाकी दो यहाँ देखिए। हाँ जी देखिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ओवरऑल पहन के देखो, पहन दे भाई, पूरा ब्लैक लुक देखो भाई। गाल गाल कैसे लग रहा है? नाक ब्लैक ही साइड में तो है।
टाइट हो रहा है ना, हेलमेट से वैसे काफ़ी टाइट हो रहा है, अनकम्फर्टेबल टाइप का लग ही रहा है। चलो देखते हैं क्या करेगा। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं और हमने शूज देखा, अभी हेलमेट तो अभी पसंद नहीं आया, तो दूसरे शॉप में जाते हैं, देखते हैं जरा। प्लीज़ गाइस बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग का, भी मज़ा आएगा गाइस। अगर ट्रैफिक देख लीजिए, इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा इस रोड में ना काफ़ी ट्रैफिक होता है। तो गाइस ये है प्रेम हॉल, प्रेम टारगेट जिसका नाम है, काफ़ी टाइम से हम इस साइड को आए नहीं थे। अब देखो हम काफ़ी मूवी देख रहे हैं इस हॉल में से, और यहाँ पर कुछ बन रहा है अभी, ब्लॉगर का देखो। तो गाइस फाइनली सभी जगह देखते हैं, लास्ट में ये पसंद आया, कैसा लग रहा है आपको जरूर बताना, कैसा लग रहा है पहन के देखा फिर एक बार, पहन के दिखा फिर एक बार क्या नीचे कर, नीचे मुँह इधर, या अच्छा लग रहा मस्त है। तो भाई गोली कितने का बैठेगा, तो गाइस दो बार चार चार तो पता नहीं आ रहा नहीं आ रहा। सो गाइस थक गया हमारा ब्लॉगर, हाथ हटा छोड़। तो गाइज़ हम आपको अपने ब्लॉगर दिखाते हैं, ये थक रहे हैं, इसको नींद आ रही है। अरे तो गाइज अब ये इंसान ने पहना है। तो गाइज हमारा ब्लॉगर थक चुका है, तो गाइज मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसका ब्लॉग टेक अवे कर लूँ, टेक ओवर सॉरी, तो मैं इनका ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ, टेक ओवर कर रहा हूँ। तो गाइज हमने तो हेलमेट ले चुके हैं, देखो हेलमेट बैक हो गया, और हम थोड़ा बाइक में थोड़ा LED लगाने का ट्राई कर रहे हैं। छोटी का फर्मा भी निकल चुका है, देखो ये है HID लाइट, और ये काफ़ी प्रीमियम है और अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो गाइस इसका मूड हो चुका है ख़राब, और इसका भी, और मैं तो होता हूँ परेशान नहीं कभी भी। और ये है हमारे पार्किंग लाइट से है। तो गाइस हमने हेलमेट ले लिया है और हम जा रहे हैं अभी घर की ओर, और हमारे पीछे भाई बहन और भाई चला रहा है गाड़ी, और गाड़ी नहीं स्कूटी चला रहा है, सॉरी भाई मिस्टेक। कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, जब बड़े बड़े शहर में हल्द्वानी शहर में तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो उसको नज़रअंदाज करिएगा। और हम अभी जा रहे हैं घर की ओर, और हम बने रहिएगा हमारे पूरे ब्लॉग में, कल मिल जाएगा आपको। और ये देखिए हम जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ रोड का हाल बेहाल है, क्योंकि अभी ये डबल रोड कटने वाली है और बाईपास देहरादून बनने वाली है रोड। तो गाइस आप काडूधाम से डायरेक्ट देहरादून के लिए यहाँ से जा सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट पड़ेगा आपको मार्केट से काफ़ी बाहर होते हुए। तो गाइस कैसा लग रहा है आज, मैं वाइट टेक ओवर कर रहा हूँ बाइक का, तो काफ़ी दिनों बाद मैं आज अपना, ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ब्लॉग खुद बना रहा हूँ। तो फिर देखते हैं आपको कैसा लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप कि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूं या ना करूं, जरूर बताइए। तो हमने दिखाया है हल्द्वानी की रोड, पीछे देखिए काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है रोड का काम, और काफ़ी दिन लग गए हैं, काफ़ी दिन लग गए हैं बच्चों, और अब देखो आगे कितना टाइम लगता है। तो बने रहिएगा फिर, अभी हमारी बाइक सर्विस हो रही है, तो हम देखते जाते हैं एक बार अभी हमारी बाइक की। तो गाइस देख लीजिए हम उनके लिए रुक रुक के आ रहे थे, और वो लोग हमारे लिए रुके नहीं, देखो चलते बने आगे को, हर्षु और तन्नू, और हम दोनों बेचारे हम सोच रहे कि भाई लोग कहाँ गए, आगे चले गए, हम ब्लॉग बनाते रहे क्या करें, कोई नहीं। ये लोग तो रुके रहे, देखो आगे रुक गए रहे, चलो हमारे लिए, और यहाँ पे बाइक हो गई सर्विस कंप्लीट, धुल भी चुकी है। सो हे गाइस, तो अभी काफ़ी टाइम बाद आप लोग मुझे देख रहे होंगे ब्लॉग में, तो फाइनली मैं बाइक घर ला चुका हूँ, मतलब मैं चला के लाया, क्योंकि दादा डर रहे थे बाइक चलाने में, मैंने कहा मैं ही चलाता हूँ,
झूठ बोल रहा है, झूठ। किसने चलाई? तूने चलाई? तू डर क्यों रहा हूं? मैं क्यों डरूंगा भाई? अरे मुझे लगा डर रहा है। तो देख लो ओवरऑल लुक चेक करो। अब कुछ समय बाद अगर मेरे हो गए थोड़े सब्सक्राइबर तो भाई लाएगा मोटो व्लॉग। ओके एकदम गजब बना रखी है बाइक तो दादा ने। हेलो तो चलो फिर अब अभी हमें दोबारा जाना है मार्केट, तो चलो और चलते हैं फिर। और अभी काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग भी बना रखी है, अभी तक दादा के पास ही था फोन और वही बना रहे थे। तो चलो यार चलो फिर चलते हैं मार्केट दोबारे। तो हे गाइस, तो अभी हम लोग थे मार्केट में और हम लोग आए अभी तालिफ दागी शॉप पे। हेलो तालिफ दागी शॉप, शॉप का नाम है स्मार्ट मोबाइल। तो आइएगा, तिकोनिया चौराहे के पास है आगे पे, तो आइएगा ज़रूर। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के ठीक सामने, शक्ल देख लेना ताकि पक्का आना। तो चलो चलते हैं फिर चाबी। यार तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर और स्कूटी भी कर दी है हमने पार्क। बैटरी का काम तो हो नहीं पाया क्योंकि हम लेट हो गए थे। चलो फिर चलते हैं यार अंदर, आज तो मैं पूरा थक चुका हूँ एकदम। चलो बाइक का न्यू हेलमेट भी है। तो गाइस अब खाना भी खा लिया और कुछ नहीं, जैसा कि आपने आज के ब्लॉग में देखा कि हमने बाइक की सर्विसिंग कराई क्योंकि 2 सालों से बाइक खड़ी थी, मतलब हाँ 2 साल हो गए थे मतलब बाइक को खड़े खड़े। तो कुछ नहीं, रिपेयर कराई पूरी, बनाई अब पूरी नहीं बनी वैसे, थोड़ा बैटरी में उसकी प्रॉब्लम और थोड़ा एक दो और है छोटे मोटे प्रॉब्लम, वो 1-2 दिन में कराएंगे हम। और आज भाई ने लिया नया हेलमेट, देखा ही होगा आपने। तो चलो मुझे भी अभारी नीड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।